जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद फैजी साहब जी हाँ, आपका ये टॉपिक है ना कि मूसा अलैहि सलाम को पत्थर कपड़ा लेकर क्यों भागा। जी प्रॉब्लम ये थी कि उनके लोगों ने उनके बारे में गलत अफवाह फैलाने शुरू कर दी थी। ये कहना शुरू कर दिया था कि इनको डिजीज है, जो ये किसी को बताते नहीं है। और बहुत से लोगों ने ये भी बोल दिया था कि इनके प्राइवेट पार्ट्स में डिफेक्ट है, इसलिए किसी को जाहिर नहीं करते। तो अल्लाह पाक ने उनका कौन सा डिफेक्ट, अब कोई डिफेक्ट होगा वो ऐसा वो नहीं है। लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि कुछ डिफेक्ट होगा प्राइवेट पार्ट्स में, तभी तरीके का डिफेक्ट। अब उसमें डिफेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे टट्टे बड़े हुए होंगे, जैसे उनका सामान ही मुबारक ना हो, या तो उनका सामान मुबारक ना हो। ये ना हो क्या होता है भैया, ये पहली बात ना हो और सामान मुबारक भी बोल रहा है वो। भैया आप मोमिन है? जी मोमिन है। यार सामान मुबारक कैसे होता है? मुबारक को तो चुम्मी की जाती है, आप सामान मुबारक को चुम्मी करते हैं? जी अपोजिट जेंडर का तो कर ही सकते हैं। अपोजिट जेंडर का आप सामान मुबारक को चुम्मी कर सकते हैं? जी झिल्ली नुमा होता है। अच्छा आप तो जानते ही होंगे, आप बताए कहाँ तक जा सकते हैं जी? जहाँ तक आपकी जबान जा सकते हैं आप वहाँ तक जा सकते हो, आपके ऊपर है वो, तो जहाँ जबान ना जा सके। ये बड़ा खतरनाक मोमिन है भाई। ये हंसा हंसा के पागल कर देगा ये। लगता है मुझे बैक स्टेज जाना पड़ेगा, ज्यादा गंदा हो जाएगा मेरे। यार साजिद मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। मैं बोला ये बहुत खतरनाक मोमिन है, हंसा हंसा के पागल कर देगा ये। हाँ हाँ फिर इससे लो लो रख लो। क्या हो गया, इसको निकाल दिए थे क्या? है तो सही। मैंने नहीं निकाला, खामोश है लगता है भाई। हाँ भाई जी। तो ये क्या जबान से मामले करते हैं आप? जी बता तो रहे ना, ये तो आपके अपोजिट जेंडर पे डिपेंड निर्भर करता है। अगर आप फीमेल हाँ। होंगे तो आप जबान थोड़ी यूज करेंगे, फिर तो आप पूरा अपना थ्रोट यूज करोगे। हाँ। तो इसमें आपको ये कैसे मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि वो हो सकता है कि उनका सामान ना हो? अच्छा ठीक है, वो जाने दो आइटम का। सामान मुबारक ना, सामान मुबारक। अच्छा वो बाल है, वो भी बाल मुबारक रहे होंगे जी। अब वो लोगों के ने अफवाह फैलाई, उसको ही अल्लाह ने कहा कि भाई ये जो लोग अफवाह फैला रहे सब गलत है, इसको साबित करने के लिए अल्लाह ने ये मौजा दिखाया अपना। और अच्छा लेकिन एक बात बताओ भाई मोहम्मद फैजी साहब, आपसे भी वही सवाल करूंगा मैं। ये बोलो कि ये मूसा तो शर्म वाले थे ना? जी मूसा शर्म वाले थे जो थे, पर लोगों ने, वो हमारे प्रॉफिट थे। अब लोगों ने उनके बुरा बारे में इतनी गलत अफवाह फैलाई, तो अल्लाह ने उनको सही करने के लिए हिदायत दी। क्या हिदायत दी? नंगा करके? जी नंगा किया, चाहे मूसा किया, चाहे जो किया, वो तब उनको समझा दिया कि हमारे जो प्रॉफिट मूसा अलैहि सलाम है वो कोई अब नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल मेल है, ह्यूमन है। हजरत मूसा ज्यादा शर्म हया वाले थे, उनका सामान मुबारक भी शर्म हया वाला था, वो खट से खड़ा हो जाता था स्टैंडिंग पोजीशन में किसी को देख के। जी ये कहाँ लिखा है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? शर्म हया वाले रहेंगे तो हर किसी का अदब करेंगे ना, जैसे क्लासरूम में अगर टीचर आते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं ना भाई, अदब से, शर्म हया से, तरीके से हम खड़े हो जाते हैं। पर दूसरा चीज नहीं खड़ा होता ना, गलत बात फैला रहे हो। कुरान कहता है कि मूसा बहुत ज्यादा शर्म हया वाले थे, तो पूरा जिस्म उनका शर्म हया वाला रहा होगा ना, ये थोड़ी उनका हथियार मुबारक शर्म, वो उनका बचपन से ही नेचर था कि वो नहीं, जैसे बचपन से ही नेचर था। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भी कभी किसी के सामने नंगे नहीं हुए थे, पर उनका बचपन से ही नेचर था कि वो नहीं हुए, उनका मर्जी थी। अब लोग उनके बारे में गलत अफवाह फैलाएंगे तो भाई अल्लाह को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, कि भाई वो हमारे प्रॉफिट है, उनके बारे में तुम गलत फैला रहे हो, हमने तुम्हें बनी इसराइल का चिल्ड्रन बनाया, तुम्हें
प्रॉमिस लैंड में भेजा, अब तुम उनके बारे में गलत फैला रहे हो, बताओ। अच्छा बताओ फैजी साहब, ये एक अल्लाह का अच्छा तरीका था कि एक शर्मदार इंसान को, एक हया वाले इंसान को भरे भरे बाजार में नंगा कर देना? जी अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए गलत था अल्लाह के हिसाब से, तो क्या ये भी सही है कि लोगों के उनके बारे में गलत अफवाह फैला रहे हो, अल्लाह कुछ ना कर, अल्लाह दिखता रहे? अरे तो क्या ये वाहिद एक ही तरीका बचा हुआ था कि उनको सही साबित करने के लिए इनको नंगा कर दे? जी आप बताइए ना, दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अगर लोगों ने उनके प्राइवेट पार्ट्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि डिजीज है इन्हें, कुछ प्रॉब्लम है, तो अल्लाह पाक क्या करते हैं? भाई अल्लाह जो है किसी से शादी करवा देता, उनसे बच्चे पैदा करवा देता। जी उनके बच्चे तो थे ही, उसमें थोड़ी उसमें दो रात तीन रहे उनके बच्चे नहीं थे, उनके बच्चे थे भाई। भाई अगर फिर भी लोग गलत बोल रहे हैं तो बोलने दो ना, लोगों का तो काम है ना। फॉर एग्जांपल अगर उनको भगंदर होता, बवासीर होती तो फिर? हाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, यही तो अल्लाह अल्लाह ने साबित कर दिया कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई फैजी भाई लोगों का तो काम है कहना, लोगों को कहने देते ना उससे, लेकिन एक इंसान को नंगा करा देना ये तो बेगैरती है ना। जी वो लोग नहीं थे, वो एक्चुअली इजिप्ट से जो फैरो के रूल से भागे थे, जो प्रॉफेट मूसा के साथ आए थे, वो बनी इसराइल थे, वो चिल्ड्रेन ऑफ इसराइल थे, वो बाकी लोगों में से नहीं थे। अगर आप बाकी लोगों से उनको छोड़ोगे गलत है। इंसान थे या नहीं थे वो लोग? जी इंसान थे, क्यों नहीं थे इंसान, पर वो अच्छे इंसान थे। ये वो बहके वो इंसान नहीं थे जो फैरो को अपना गॉड मानते, वो अपना गॉड अल्लाह को ही मानते थे। भाई फिर वो उनके उनके लोग ही उनको जो है इल्जाम लगा रहे थे या ये बात फैला रहे थे कि इनमें प्रॉब्लम है, तो एक शर्म वाले इंसान को नंगा करने के अलावा अल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा? जी वही तो मैं समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर इसके अलावा कोई और रास्ता तो आप बताओ मुझे। एक बात बताओ मुझे। मान लीजिए कि आपके ऊपर ले लीजिए, आपके बारे में ये बात फैल जाए कि आपका सामान मुबारक जो है वो मूंगफली उतना है, ठीक है, और काम नहीं करता है। अगर आपको और बहुत शर्म वाले आप, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहे हो? नहीं, सेंटेंस आपका दुरुस्त था, इसमें मान लीजिए सिर्फ हटा दीजिए, वो है ही उतना। अच्छा अरे भाई ये गंदी गंदी डकारे मत लो यार। तो फैजी साहब आप सोचिए कि आप एक शर्म वाले इंसान हैं, लेकिन आपके बारे में आपकी सोसाइटी में या बाजार में फैला हुआ है कि आपका सामान मुबारक मूंगफली उतना है, काम नहीं करता है, ठीक है। तो अब अगर कोई आपको, चूंकि लोग इस तरीके से आपके बारे में बात फैला रहे हैं, तो कोई जाके आपकी अगर पतलून उतार के बीच बाजार में अगर खड़ा कर दे, ये अच्छी बात है भाई? जी नहीं, अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए, क्यों अच्छी बात होगी? हाँ हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, हमें तुम नामर्द बोलो पर अच्छा नंगा थोड़ी करो समाज में। थैंक यू सो वेरी मच, आप नामर्द बोलने का है बोलो, आपको जो इल्जाम लगाने के लगाओ, मैं हूं नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता, एक जन बोले 100 जन बोले। देखो अभी कितनी, जब आप पे ये बात आई तो आपके समझ में आया ना कि कोई इस तरीके से आपके साथ करेगा तो कितना गलत होगा। तो सोचो कि मूसा भी तो शर्म वाले थे, लिखा हुआ है कि बहुत शर्म वाले थे, उनको अल्लाह ने भरे बाजार में नंगा कर दिया यार, ये कैसा बेगैरती वाला अल्लाह ये, सोचो इस बारे में। वो साहिल भाई, वो मूसा जो है कोई आम आदमी नहीं थे, वो प्रोफेट थे। हाँ प्रोफेट तो... की इज्जत कितनी होती भाई? जी नहीं देखिए, प्रॉफिट की इज्जत होती है उनके लोगों के मानने से, अपने से प्रॉफिट की इज्जत नहीं। अगर हम प्रॉफिट होते हैं और हमारे साथ ऐसा किया होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ हम प्रॉफिट हैं, हमें प्रूफ करना पड़ेगा लोगों को जो भी उनके गलत फहमी है। भाई साहब आप इनसे नहीं जीत सकते भाई, इनको आप कह दीजिए भाई यहाँ पे हथियार डाल देते, मतलब प्रॉफिट है तो बोलता है, प्रॉफिट होता तो नंगा होके दिखाना पड़ता प्रूफ करने के लिए। हम तो किसी को ऐसी गलत बाफा नहीं पढ़ाने देते ना, अगर हम प्रॉफिट होते तो ना अल्लाह हमारा प्रॉफिट करना देता, तो खुद ही नंगा होके खड़ा हो जाता सबके सामने। जी मैं क्यों खड़ा हो जाता नंगा सामने सबके? अगर मूसा को लोगों ने ऐसा बोला तो मूसा खुद हो जाते, पर अल्लाह ने उनको ऐसा वो नहीं करने दिया। अल्लाह ने कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए हैं, हमने तुम्हें भेजा है दुनिया पे ईमान फैलाने। उतरवा देते हैं आप, मेहनत मत करो, हम पतलून उतरवा देते हैं। अल्लाह ने कहा क्यों आप मत अपने पैर,
अपना सामान मुबारक आप खोल के मत दिखाओ, हम खोल के दिखा देते हैं, ऐसा। हाँ, लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए अल्लाह ने ये मौजजा वाह भाई दिया। वाह भाई, लोग जितने मोमिन और खास करके मोमिनाएं आप लोग सुन रहे हो, ये आपका इस्लाम और ये आपके अपंग मोमिन। अल्लाह हर चीज पर जब कादिर है तो वो लोगों के दिलों को भी तो बदल सकता है, उनके माइंडसेट को बदल सकता है, हाँ वो ये क्या बात सोच हुई रहे ना हैं क्या कुछ, नहीं सोच रहे हैं, उनके जहन में अच्छी बातें भी डाल सकता है। वाह वाह वाह, क्या क्या मस्त आपने दिया जी, बात ऐसे लोगों के अंदर कर अगर ली जी। अपनी बात डालेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? इससे तो ये लोग यही कह देंगे कि हमारे मन में अल्लाह ने डाल दिया इसलिए हम मान रहे हैं। उनको कैसे लोगों को पता अपने चलेगा मन कि से अल्लाह ने फॉलो डाल करना दिया? चाहिए ना, भाई अल्लाह ये अगर बात ऐसा ही ही निकाल होता। देता, मोहम्मद फैजी देखिए, क्या अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं था कि ये बात ही निकाल दे कि मूसा के बारे में उनका ये ख्याल था? जी अल्लाह ये बात निकाल सकता है, पर इससे लोगों का ये मन हो जाएगा ना कि हमें वैसे अल्लाह ने होता ही कंट्रोल नहीं कर था वो बात, दिया। अरे उनको वो पता ही नहीं नहीं कि अल्लाह ने चेंज किया। नहीं अल्लाह ने हमें इस लाइफ में फ्री विल दी है, हमें अभी अल्लाह तो ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे डिसीजन से तुम अपना डिसीजन चेंज कर लोगे ना, हमारे मन में कोई ऐसी बात डाल दे कि हम ऐसा फॉलो करने लगे, तो अल्लाह अल्लाह ने दिल में कभी नहीं बात नहीं कहा। डालता है, अल्लाह दिल में बात नहीं डालता है अल्लाह दिल में बात नहीं डाल सकता किसी के, क्यों डालेगा अल्लाह बात? अल्लाह ने सबको फ्री विल आर दिया है। अच्छा आरिश्वर, कुरान अल्लाह से मैं दिल में बात दिखाता नहीं हूँ, डालता है। नहीं अल्लाह दिल में बात नहीं डाल सकता किसी इंसान के, अल्लाह का अच्छा दिल में तो सबके बाद इंसान डाल दिया तो नहीं, फिर जब जरूरत ही क्या है किसी गॉड की? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब फ्री विल ही थी लोगों की तो फ्री विल के हिसाब से उनको कहने देते ना, उससे क्या फर्क पड़ता, कौन जी सा फर्क नबूवत ये पड़ता है ना लगता? कि उनके, नहीं, नबुवत पे बात आती, क्योंकि देखिए उस समय क्यों ना, वो प्रॉमिस लैंड पे गए नहीं थे और प्रॉमिस लैंड पे पहुंचे भी नहीं थे, तो नहीं, उनको भाई हिसाब। भाई 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 सुनो, किसी का सामान मुबारक छोटा होना बड़ा होना या नहीं होना या फिर उसके गोटी बड़ी हो जाना पानी भर जाना, इससे नबुवत का क्या लेना देना? जी निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए किसी नबी के बारे में भी, अगर कोई निगेटिव बातें कर रहा है तो मतलब क्या सब पॉजिटिव नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए? तो आज हम यहाँ पे तो सारी नेगेटिव बात कर रहे हैं। जी आप लोग तो बात कर रहे हो, मैं तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ आपकी बात को, पर नहीं, आप लोग मोहम्मद जो फैजी, इस बारे में अल्लाह क्या कर रहा है? क्या वो खुद उतर के अपने नबी को सच्चा साबित कर पा रहा है? क्या वो रसूल को जो है वो उठा के खड़ा कर दे और बोले कि ये तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए, फिर से खड़े हो और बोलो, मौजजा करेगा अल्लाह? साहिल साहब जरा जी मेरी सुनिए, ऐसा मौजा थोड़ी करेगा कि कोई मरे हुए इंसान को खड़ा कर देगा। जी अच्छा वो उस बात पे कादिर नहीं अल्लाह? अल्लाह चाहे तो हर कुछ हो सकता है, तो वही बात तो हो जब जाएगी ना, हो लोग सकता यही है कहेंगे कि तो अगर आपने हमें दिखा दिया तो हम क्यों माने आपको। मोहम्मद फैजी, जब अल्लाह पत्थर को भगा सकता है, मूसा को नंगा कर सकता है, तो अभी मोहम्मद साहब को उठा के कब्र में से क्यों नहीं बुलवा सकता कि तुम मेरे बारे में जो जितनी बातें कर रहे हो सब गलत है? क्योंकि आपने कहा उन्होंने कभी कि गलत बात करी नहीं, जब रसूल उन्होंने अल्लाह गलत बात करी तब अल्लाह करेंगे इस चीज, क्या, उन्होंने कभी कोई गलत बात की नहीं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक बार आयशा के ऊपर भी अरे स्कैंडल आया था कि उन्होंने गलत किया, तो उसके लिए भी अल्लाह ने अबे रुक जा यार मोहम्मद फैजी, आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह के बारे में गलत अफवाह नहीं उठनी चाहिए, है ना, गलत बात नहीं होनी चाहिए, इल्जाम नहीं लगना चाहिए, राइट? जी अल्लाह बताइए। इसका वो भी नहीं हाँ देता है ना, अल्लाह उसका दिफा करने आ जी जाता है, राइट? आज यहां में दुनिया में कई सारे लोग हैं जो लोगों को जो है वो आपके रसूलुल्लाह को जो है पीडोफाइल साबित किया है, मर्डरर साबित किया है, रेपिस साबित किया है, सारी चीजें साबित किया हुआ है, तो यहाँ पे अल्लाह खामोश क्यों बैठा है? जी ये सब तो कयामत की निशानी है, ये सब तो कयामत के लिए है, आप उनकी भाई बात अभी नहीं आप माने बात होगे ध्यान तो। दे दो क्या, मतलब ये बात पॉसिबल है ना कि अंबिया के ऊपर बहुतान इल्जाम लगाया जाए और अल्लाह कुछ ना करे, ये पॉसिबल है ना? जी जीते हुए उनके उनके मरने के बाद थोड़ी, अगर अच्छा उनके मरने के जीते जी बाद किसी ने एग्जाम लगाया होता तो अल्लाह ने साबित नहीं किया क्या? आपको क्या लगता है अल्लाह ने साबित नहीं मतलब, किया? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब इनका अल्लाह ऐसा है कि जब तक नबी जिंदा है तब तक ही उनके ऊपर इल्जामात के वो दिफा करने के लिए कुछ ना कुछ उल जुलूल हरकत करता है, एक बार नबी टपक गए उसके बाद उसको गालियां दो कुछ भी करो, अल्लाह को कोई लेना देना नहीं है। जी वो तो आखिरत में पता चलेगा ना कि अल्लाह को लेना देना है कि नहीं है, वाह भाई वाह, अभी अरे थोड़ी पता दुनिया की चलेगा। बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर अच्छा रहा इस हूँ, दुनिया इस में पर तो आप बहुत क्या खुशी से कहेंगे रहेंगे अगर आप भाई लोग।
जितना गाली भाई इस देंगे पर उतना क्या कह खुशित रहे थे, रहेंगे। इस पर क्या कह रहे थे कि अगर अल्लाह उनके दिलों में, वहां के कौम के लोगों के दिलों में डाल देता कि नहीं मूसा ऐसे नहीं है, अच्छी चीजें डाल देता, उसके नहीं अल्लाह वो ही डाल फ्री सकता विल, था। फ्री विल कह रहे हैं ना कि फ्री विल था उनका, वो कह सकते थे इस वजह से अल्लाह ने नहीं डाला। नहीं तो कुरान फिर कुछ और कहता है ना, देखें ये कुरान क्या कहता है। क्या कहता है दिखाइए। हाँ मोमिन जो है अहले ईमान उनके दिलों में बाहिमी उल्फत भी उसी ने डाली है, प्यार मोहब्बत जो कुछ भी दिलों में रहता है प्यार मोहब्बत सब वही डालता है अल्लाह। जमीन में जो कुछ है तो अगर सारा का सारा भी खर्च कर डालता है तो भी उनके दिल आपस में ना मिला सकता, ये तो अल्लाह ही है उनके दिल में उल्फत डाल दी। वो गालिब हिकमतों वाला है अल्लाह, तो जी ये उनके तो दिल में ये भी पैदा तो बात होने के डाल साथ ही सकता था। डालता है कहाँ ना, पैदा होने लिखा के है बाद पैदा थोड़ी होते हैं चेंज कर रहा है। अहले ईमान कौन होते हैं? कोई पहले ईमान बंदा जो अगर ईमान पे बाद रहते में, हैं जो अगर हमेशा बाद सच में, को फॉलो कर अगर रहे भाई हैं। अगर कोई काफिर है बाद में वो ईमान लाया, उनके दिल में उल्फत मोहब्बत और ईमान की ताजगी, ये कौन डाल रहा है? क्या चीज एक शख्स काफिर है और फिर बाद में वो मुसलमान हो रहा है, तो वो तो पैदाइशी मुसलमान है नहीं, फिर उसके दिल में ईमान की मोहब्बत या जो भी उसके दिल में डालना है, कौन डाल रहा है? जी वो खुद डाल रहा है, ऐसा नहीं कि खुद अल्लाह डाल डाल रहा रहा है, है उसके मन में, और हाँ तो क्या लिखा है कि अल्लाह उसके डाल मन रहा में है। खुद से आ रहा है। ये तो है अल्लाह कि कह रहा इसमें है अल्लाह उनके डालता है। दिलों में बाहिमी उल्फत भी उसी ने डाली है, अल्लाह ने डाली है। नहीं, ये आप गलत समझ रहे हो, एकदम गलत समझ रहे हो। अल्लाह ने अबे बताया बात कि भाई समझो ना हमने, दीदी सुनिए ना, सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह ने पैदा होते ही सबके मन में डाला है कि भाई हमारी ही प्रेयर करो, हमको ही मानो। पर सब बड़े होते होते जब अकल आती है, फ्री विल, उनको पता चलती है कि भाई हम जो चाहे कर सकते हैं तो अगर भटक जाते ठीक है, हैं। अगर वही कह रहा हूं, अगर कोई कोई बंदा वो काफिर है, बाद में वो मुसलमान हुआ, उसके दिल में मुसलमान होने का ख्याल, चाहे अच्छी बातें या बुरी बातें, ये किसने डाली, और मोमिनों के लिए उल्फत और मोहब्बत, ये कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? जी लोग डाल रहे हैं अपने मन से, लोगों को फॉलो कर रहे हैं। कुरान अबे कहता है इधर कि अल्लाह ऊपर ने लिखा डाली हुआ है, है कि भाई अल्लाह मैं कह रहा हूँ झूठे। ना, बचपन में डालता है, आप सुनते नहीं हो पूरी बात, झूठे बोल देते हो नहीं धन से। रहा मुसलमान था ही नहीं वो तो, अभी एक काफिर कौन की बात मुसलमान कर नहीं रहा हूँ, था? एक काफिर हाँ मैं वही बंदा तो कह रहा पैदा हूँ, उसके हुआ, बचपन बाद में, में वो मुसलमान उसके हुआ, मन क्या में, बचपन में उसके मन में है कि भाई वो मुस्लिम ही है। मतलब उसकी फ्री विल कहाँ है? जब अल्लाह ही डाल के भेज रहा है सारी चीजें, तो उसकी फ्री विल कहाँ से आ गई? फ्री विल उसकी तब आती है जब वो मेच्योर होता है, जब उसका दिमाग काम करने लगता है। दिल में तो उसके अल्लाह है, पर जब दिमाग काम करने लगता है तो वो दिल को भूल जाता है, फिर वो दिमाग पे अपने आ जाता है, तो दिमाग चलता है, फिर अल्लाह की बात खत्म हो जाती है। फिर वो अल्लाह को नहीं मानता ना, अल्लाह के रसूल को मानता है, फिर वो अपनी मतलब अपनी बातें करता है। अल्लाह कह रहा है ये झूठ बात है कि मोमिनों के दिलों में उल्फत मोहब्बत अल्लाह जो डालता है, ये अल्लाह की झूठी बात है? अच्छा सिर्फ यही बात नहीं, आगे क्या कह रहा है, आगे का और तो, अगर आप जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो उनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते, आप चाह करके नहीं पैदा कर सकते, सिर्फ अल्लाह का ये काम है। जी चलो और क्या, खैर सही बात ये है। ठीक है भाई, भाई ये इतना तो पक्का हो गया कि आपका उस्ताद जो है ये निहायत बेगैरत इंसान है, जो अपने अरे ये नबी की खास था भाई साहब, इल्जाम को, हाँ अपने नबी की इल्जाम को जो है वो मिटाने के लिए उसको भरे बाजार में नंगा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये बताओ कि पत्थर भागता कैसे है? साहिब इसके पहले एक चीज और पूछिए इनसे कि हाँ जो इमामा मुरसलीन जो हैं उनके ऊपर तोहमत लगना चाहिए कि नहीं, इसी वाक्य से रिलेटेड। हजरत आयशा जो सबसे फर्टाइल उनकी बीबी थी, उससे उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ये तोहमत हाँ तो रसूलुल्लाह पे भी लगना चाहिए, इमामा मुरसलीन पे भी लगना चाहिए। मतलब समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? जैसे हजरत मूसा के ताल्लुक से जो है ये तोहमत थी उनके ऊपर कि वो अपना जो है वो नेकेड नहाते इसलिए नहीं है कि उनको कुछ डिजीज है, ठीक है। अब हजरत आयशा से जो है रसूलुल्लाह जो है उनको कोई औलाद नहीं थी, तो ये लेकिन ये रसूलुल्लाह के ताल्लुक से। देंगे, ये आपको ये जवाब दे देंगे कि उस जमाने में लोगों ने इस तरीके का सवाल नहीं उठाया ना, और हाँ मरने वही के बाद तो, मैं ये तो जाहिरी तौर पे सवाल तो उठना था ना फिर। अच्छा कितनी साहिले, कितनी बीवियों से रसूलुल्लाह को औलादे थी? 11 बीवियों में से, है एक बीवी ना? खदीजा। तो फिर तो सवाल तो फिर जाहिरी तौर पे बनता ही है ना। हाँ लेकिन वो हदीसों में वो सवाल नहीं मिलता है ना मुशरिकीन और कुफार की तरफ से, यह हदीसों आप में यही नहीं समझे? गया हो, सवाल लिया ही नहीं हो, लिया ही नहीं हाँ गया हाँ ये हो। भी हो सकता है, लेकिन अब ये मोमिन है ना, ये तो सीधा बोल देंगे कि सवाल करते थे लाके दिखाओ, जैसा वो मजनून बोलते थे और वो पागल बोलते थे, शायर बोलते थे,
तो इलाके दिखाओ करके बोल देंगे वो, हाँ सही सही, है ना, समझ रहे आप। और मरने के हाँ बाद हाँ तो उनको गालियां दो, उनके ऊपर वो सांप डालो, कुछ भी डालो, अल्लाह तभी नहीं आता उनकी हिफाजत करने के लिए। सिर्फ जिंदा रहने तक अल्लाह जो है ना वो नंगा करके दिखाता है। हाँ भाई फैजी साहब, ये पत्थर कैसे भागता है भाई? जी अल्लाह पाक ने उससे पहले भी बहुत मौजा किया था। और रही बात पत्थर भागने की, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम इतने हट्टे कट्टे थे कि वो बड़े से बड़ा पत्थर भी अपने हाथ से हिला सकते थे, तो उनके लिए कोई नहीं बड़ी आप बात नहीं कि उनके सामने कोई पत्थर भागे। क्या क्या क्या, वो हिला सकते थे लेकिन पत्थर अपने आप कैसे भाग सकता है? अरे मैं कह रहा हूँ बड़े से बड़ा पत्थर वो खुद हिला सकते थे, जो एक नॉर्मल लेकिन इंसान की यहाँ बात नहीं पे है होती। ना मोहम्मद फैजी, यहाँ पे वो थोड़ी ना हिला है, पत्थर खुद भाग रहा है। हाँ वो तो अल्लाह का मौजजा है, वो तो भागेगा ही, अल्लाह का अच्छा मौजजा था, अल्लाह ने साबित करना था कि हमारे मोहम्मद, नबी के कोई वो नहीं दोष। इतना एक साथ मत बोला कर, मतलब अगर कोई ये कहे कि ये लॉजिकली और साइंटिफिकली इसको साबित किया जा सकता है, वो आपकी नजर में पागल है या सही है? नहीं साइंटिफिकली नहीं किया जा सकता साबित है सर, साइंटिफिकली अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगी जब तक तो कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अच्छा, और लॉजिकली भी साबित कर सकते हैं? लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर अल्लाह को अपना मौजा दिखाना है तो वो कुछ भी कर नहीं नहीं सकता है। जैसे लोग अल्लाह को नहीं मानते, हमको लॉजिकली साबित कर सकते हो पत्थर भागा? आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप किसी क्रिएटर को तो मानते होगे ना। भाई मैं कह रहा हूं कि हम अल्लाह अल्लाह को नहीं मानते, लॉजिकली साबित कर सकते हो कि पत्थर हाँ तो आप पत्थर लेके नेचर को तो भागा? मानते होंगे ना। अच्छा नेचर से साबित कर दो कि पत्थर लॉजिकली भागता है कपड़ा नहीं लेके। मतलब आप नेचर को मानते हो ना। मैं आपके लिए मान लिया नेचर को, अब ये बताओ कि पत्थर जो है वो कपड़ा लेके भागता है, इसको लॉजिकली साबित करो आप। जी नहीं कर सकते लॉजिकली साबित। थैंक यू सो वेरी मच। तो जो भी डंगर ये कहे कि मैं इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली साबित कर रहा हूं, वो डंगर होगा कि नहीं होगा? जी आज के टाइम पे कोई अगर बोलेगा तो वो तो होगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये वाला जो डंगर है जिसका हमने क्लिप चलाए थे, बड़ा वाला डंगर, एक मिनट को। इसका क्लिप चला दिए थे आप। हाँ ये हमारे दीनी भाई को कह आमिर रहा हाँ था मैंने, नहीं, ये डंगर है भाई, बड़ा वाला डंगर है, ये वाला ये कह डंगर। रहे हैं क्या आप इसको सच मानते हैं? बिल्कुल सच मानता हूँ। क्या उलझन है, क्या इतराज है पत्थर के सरकने पर? क्या पत्थर सरकता नहीं? कहते हैं जी चोरी करके भाग गया, उसमें मुझे वर्ड दिखा दे तो चोरी करके भागा। कपड़े लेके भागा भाई, कपड़े कपड़े लेके भागा, लेके अभी अभी आप तो ये वही लग इस्तेमाल किए हो कि उनसे कपड़े लेके भाग गया। लेके भागा, तुमने चोरी का वर्ड तुमने यूज किया स्टार्ट के अंदर से आकर, चोरी 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 चोरी। तो मैं ये कह रहा हूँ लेकर भागा, कपड़े कपड़े पत्थर के कपड़े पहनते जो उसने चोरी कर रहे थे। चोरी तो श्री कृष्णा करता था गोपियों के कपड़े और अच्छा मतलब पहनते। पहनने वाले, ये जब अपनी नहीं बनी तो फटक से बैसाखी, फटक से बैसाखी इसको लेना है। पहनने वाला सिर्फ चोरी करता है तो अच्छा ऑब्वियसली और कौन करेगा? या पहनने वाला, पहनने या वाला चोरी पहनने, करता एक है, मिनट, या पहनने, अगर या पहनने चेन वाला चोरी चोरी करा या तो पहनने वाला, पहनेगा? एक मिनट सुन ले, खराब हो गया मेरी यादें वाली बातें हैं। सुन ले देखो फिर चल हंस ले, हंस ले पहले तो मैं तुझे एक और नहीं हंसी मतलब वाली बात हो बताता गया हूँ, हो गया इससे भी हंसी हो गया हो गया वाली, बोले वाली बात बताता हूँ, इससे भी हंसी वाली बात बताता हूँ। हंसी वाली बात आई तो रुको, टेंशन मत लो यार, हंसी वाली बात आई तो रुको, हाँ टेंशन मत लो उसकी। तुम और अगर रोने वाली बात आई तो रोने वाली बात आई तो रो लेंगे भाई, अब ठीक है। हाँ वेरी गुड चलो पहचान आगे आगे चलो। पहचान। इससे भी मजे की बात है कि जैसे बिल्कुल आज एक टीन डब्बा होता है वो घिसटता हुआ, ठीक है, घिसटता हुआ जा रहा होता है और उसके अंदर सब अच्छा इसके एग्जाम्पल देखना, जरा एग्जाम्पल देखना इस डंगर के। और इसी वजह से भाई ने सही कहा कि कोई ऐसा करे तो वो बड़ा डंगर और झूठा डंगर है। पत्थर भागना और टिन का डब्बा यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करना, ये दोनों एक जगह कैसे हो सकता है यार? ये कितने जिस मतलब सुनने दीजिए ना, कह रहे ना कि भागा ने ढकेल गया, आगे सुनते हैं। हाँ अच्छा, अगर टिन का डब्बा भी अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो टिन के डब्बे के अंदर अगर आपका कपड़ा होगा और वो पैक होगा तो वो ट्रांसपोर्ट होगा दूसरी जगह तक। टिन के डब्बे के ऊपर अगर आपने कपड़ा रखा है तो अगर वो रोल होके जाएगा तो कपड़ा नीचे गिरेगा और टिन का डब्बा आगे जाएगा। आगे देखते नहीं हैं ये गलत बात है, क्या गलत बात है। ये कैसे कह सकते हैं? अगर टीन के डब्बे के ऊपर कपड़ा है और टीन का डब्बा हाँ आगे जा रहा है तो टीन के डब्बे के साथ कपड़ा भी आगे जाएगा, ये थोड़ी सी अरे सिर्फ टीन का भाई डब्बा आगे भाई जाएगा। भाई भाई, भाई आगे कैसे जाएगा टिन का डब्बा जब गिरेगा हाइट से तभी ना? ठीक है गिरेगा तो भी कपड़ा साथ में रहेगा उसके, अलग थोड़ी हो कपड़ा जाएगा। भाई कैसा पागल इंसान है, टिन के डब्बे के ऊपर चढ़ के कपड़ा
कपड़ा रखा और वो टिन का डब्बा ऊपर से तुमने उसको फेंक दिया, नीचे रोल कर दिया, कपड़ा उसके साथ जाएगा? अब कह रहे रोल कर दिया तो रोल करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा पर साथ तो रह गई, क्योंकि देखिए हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, कोई भी चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, उसमें मोशन नहीं है तो। अरे रुक जा भाई, तू कितना पढ़ा लिखा है भाई, और इसमें पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है यार, कैसे कैसे लोगों को अभी। अरे साहिल भाई, इवन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी गलत बता रहा है ये बंदा जो है, लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी गलत बता रहा है, क्योंकि अगर पत्थर के ऊपर कपड़ा है तो कपड़ा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होगा और पत्थर जो है इनर्शिया ऑफ मोशन में होगा, तो कपड़ा वहीं गिर जाएगा और पत्थर आगे निकल जाएगा। चाहे तुम टिन पे रखो चाहे पत्थर पे रखो, कपड़ा तो गिर जाएगा, टिन आगे बढ़ेगा या पत्थर आगे बढ़ेगा। रुको इसको पेंट से समझाते हैं यार, अभी क्या क्या नौबत आ गई है भाई। ये भाई पहले ये बताओ कितना पढ़े लिखे हो? जी बीटेक किया हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। क्या है? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। भाई ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले की ये लॉजिक है। अभी एक बात बता, ये ले ये पहाड़ है, ठीक है? ठीक है, ये चेहरा इधर है तेरा, ठीक है? ये इनका डब्बा है। अरे भाई क्या बीटेक रह के इतनी गंदी गंदी डकारे लेता है यार, क्या दारू शारू पी के आया है? अरे नहीं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा तो भाई म्यूट कर लेना भाई जब डकार आएगी तो। अभी वो तो अच्छा है कि एडम साहब नहीं है, नहीं तो दो गाली देके भगा देते अभी, बहुत चिड़े एडम साहब को डकार लेने वालों से। अच्छा और वो जो गाते रहते हैं उनसे हमें चढ़ा उससे का बीच में। ये देखो अरे भाई फैजी भाई आवाज आ रही है? फैजी भाई आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो ये पहाड़ की चोटी पे है, आप एक टिन आपने लिया है, डब्बा लिया है, इसके ऊपर आपने समझो साफ करने का एक कपड़ा रखा है, ठीक है? ठीक है, ओके। अब यहां से जब डब्बे को लुढ़काओगे नीचे, जब फर्स्ट ये वाला हिस्सा नीचे गिरेगा टिन का, कपड़ा वहीं पे गिर जाएगा और आपका टिन जो है वो रोल होते होते गिरते 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 नीचे आएगा, ऐसी होगा ना? जी कपड़ा साथ गिरेगा नीचे एकदम उसके टीम के। कपड़ा क्यों बीच में गिर जाएगा, आप कैसे बात कर रहे हो यार? कसम से यार, कपड़ा बोल रहा है टीम के साथ गिरेगा भाई, फेविक्विक से चिपकाया हुआ है क्या कपड़ा? अगर एक तरीके लुढ़कते हुए ना जाए, एक बार में एक जंप में उस कॉम के पास चला जाए, वहां जाकर भाई मेरे को मारो, भाई मारो, ये बीटेक वाले का ये हाल है भाई। नहीं साहिल भाई, इसमें अपन स्लोप भी कंसीडर करें, इवन एक जो प्लेन सरफेस है उसको भी कंसीडर करें ना। नहीं नहीं, मैं इस वजह से किया ना, क्योंकि वो क्या उसने क्या दिमाग लगाया, टिन का एग्जांपल जो दिया है पत्थर को लेके, वो बिल्कुल जो है इलॉजिकल है। टिन के साथ अगर आपको, क्योंकि टिन जो है ना, टिन जो ट्रांसपोर्ट होता है ना अब्दुल्ला भाई, टिन कभी भी ट्रांसपोर्ट इस तरीके से गिरा के नहीं होता है। टिन का ट्रांसपोर्ट जो है, सॉरी ये टिन है, आप कोई गाड़ी वीडी से करेंगे टिन का ट्रांसपोर्ट, राइट? हाँ बिल्कुल, है ना? तो टिन का ट्रांसपोर्ट क्योंकि सीधा होगा, वो ऐसा नहीं है कि लुढ़क लुढ़क के जा रहा है, तो उसमें अगर ऊपर भी कपड़ा रहे या उसके अंदर कपड़ा रहे तो वो टिन के साथ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन मैं, चलो ये गधे जैसा उसने एग्जांपल दिया, मैं कह रहा हूं कि अगर टिन को तुम ऊपर से भी नीचे लुढ़काओ तो भी वो कपड़ा उसके साथ साथ नहीं जाएगा। हाँ सही है। देखिए आप अगर रुमाल की बात करें तो रुमाल भले ऊपर ही गिर जाएगा, पर अगर आप कपड़े की बात करें, जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो नीचे तक जाएंगे, क्योंकि एक टीम के अंदर वो नहीं आ सकते, क्योंकि पत्थर पहचान लेगा ये पहनने वाले कपड़े हैं, टीम के ऊपर रखा हुआ है। जी टीम के ऊपर रखा भी होगा तो भी बता रहा हूँ ना मैं, टीम के ऊपर रखा होगा तो उसको ऐसे थोड़ा। फैजी 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 भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है भाई? जी AKTU यूनिवर्सिटी से। कौन सी? AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हमें लगा भोपाल से। डॉक्टर AKTU अब्दुल कलाम, अब्दुल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी वालों, भाई लोग तुम्हारा नाम ये आपका स्टूडेंट बर्बाद कर दे रहा है,
इसको पहचानो और इसकी डिग्री कैंसिल करो बीटेक की, जल्दी वहां से हटो, जल्दी ऐसे लोगों को निकालो नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। कलाम सर का नाम हमेशा हमारे रहे, जल्दी वहां से हटो तुम। ये लो जी, आप लोग बताइए ना, आप लोग क्या पढ़े हो? अच्छा एक मिनट रुक भाई, फैजी रुक जा। एडम साहब इनका साइंस देखा आपने? अरे साइंस से पहले आपने ऊपर बनाया क्या, इनको बनाया है या इनका बनाया है? आपने कहा था ये आपको बनाया किस स्टाइल का? बेबी बॉय से बात करो, बेबी है यार इसको बड़ा। अरे बेबी नहीं भाई, बीटेक है, बेबी होता है इसको। मेरे ख्याल में मार्केटिंग या किसमें किया, अकाउंटिंग में किया, मार्केटिंग में किया, किसमें किया? मैकेनिकल भाई, बीटेक भाई। मैकेनिकल किसमें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने क्या गाड़ी बनाते हैं फैजी भाई? गाड़ी के बारे में स्टडीज करते हैं, मशीनों के बारे में स्टडीज करते हैं। आप क्या काम करते हैं? किस मशीन? लाला इसने बीटेक किया है, ये एक हाथ से खैनी बना लेता है, कोई बात नहीं। किस चीज पे आपने पढ़ाई की है भाई? जी हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है बीटेक से, पर अभी हम कंप्यूटर साइंस में जॉब। अभी क्या करते हैं? अभी आईटी में जॉब कर रहे हैं। आईटी में जॉब कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आईटी में जॉब कर रहे हैं। जी सही में, हमें हमारे कोर्स से मिली नहीं प्लेसमेंट। आपका कंप्यूटर घर में पड़ा पड़ा चलना शुरू हो जाता? अपने आप में चलता होता, बटन दबाना पड़ता है तब चलता है। नहीं चलता नहीं, वो अपनी जगह पड़ा रहता है, वो ऑन होता है। गधे, चलता नहीं, बटन दबाएंगे तभी ऑन होगा ना। वो ऑन होगा, चलेगा नहीं, वॉक नहीं करेगा, भागेगा नहीं। जी उसके अंदर जो जो स्क्रीन है वो तो चलती है ना, वो भी नहीं चलती, स्क्रीन भी नहीं चलती, वो भी वही की वही रहती है, वो टर्न ऑन होती है, चेंज नहीं होती स्क्रीन। यार आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे मूव नहीं होते? फाइल नहीं यार, नहीं यार, ज्यादती यार मेरे साथ, ये मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के साथ ज्यादती है भाई। सोचो भाई, हम सबसे जेल में। अच्छा ये फटा मान लीजिए, डायग्राम बताने के बाद भी बोलता है कि टिन के साथ जो है कपड़ा भी जाएगा साथ साथ में, ये कितना मजे मस्त।